The power and the glory. The power and the glory. 1940 is a novel by British author Graham Greene. The power and the glory, 1940. British लेखक ग्रेम ग्रीन का एक उपन्यास है शीर्षक प्रभुत्व की प्रार्थना के अंत में अक्सर सुनाई जाने वाली विचारधारा के लिए एक संलयन है उनके लिए राज्य शक्ति और महिमा है हमेशा और हमेशा के लिए आमीन इसे शुरू में संयुक्त राज्य अमेरिका में द लेबिरिंथाइन वेस शीर्षक के तहत प्रकाशित किया गया था ग्रीन के उपन्यास 1930 के दशक में मैक्सिकन राज्य तबस्को में रहने वाले एक पाखंडी रोमन कैथोलिक विस्की पुजारी ग्रीन द्वारा गढ़ा गया एक शब्द अपोस्ट्रोफी की कहानी बताता है एक समय था जब मैक्सिकन सरकार कैथोलिक चर्च को दबाने का प्रयास कर रही थी उस दमन के परिणाम स्वरूप क्रिस्टरो युद्ध 1927 से 1929 हुआ था इसलिए इसका नाम कैथोलिक लड़ाकों के नारे विवा क्रिस्टोरे लंबे समय तक जीवित रहने वाले क्राइस्ट द किंग के नाम पर रखा गया था 1941 में इस उपन्यास को हॉथोरंडन पुरस्कार ब्रिटिश साहित्य पुरस्कार मिला प्लॉट एंड समरी मुख्य पात्र एक नाम विस्की पुजारी है जो दयनीय लालसा लगभग एक दर्दनाक तपस्या और गरिमा के लिए एक हताश खोज के साथ आत्मनिर्भरता के लिए एक महान शक्ति को जोड़ती है अंत में हालांकि पुजारी एक वास्तविक पवित्रता प्राप्त करता है अन्य मुख्य चरित्र एक पुलिस लेफ्टिनेंट है जिसे इस पुजारी का शिकार करने का काम सौंपा गया है यह लेफ्टिनेंट यह भी नाम नहीं दिया गया लेकिन यह सोचा गया कि थॉमस गैरिडो कैनाबाल चर्च के प्रति घृणा करने वाले एक प्रतिबद्ध समाजवादी हैं समग्र स्थिति यह है कैथोलिक धर्म मेक्सिको में गैर कानूनी है हालांकि जबकि मेक्सिको के अन्य राज्यों को एक मत पूछो का पालन करें नीति न बताएं तबस्को की स्थिति प्रतिबंध को सख्ती से लागू करती है मेक्सिको या कम से कम तबस्को समाजवादी आधार पर शासन किया जाता है और पुजारियों को या तो राज्य द्वारा पत्नियों ब्रह्मचर्य तोड़ने के साथ बसाया गया है और उनके विश्वास को त्यागने के बदले पेंशन दी जाती है और सख्ती से काम पूरा करने के लिए सख्ती से प्रतिबंध लगाया जाता है जैसे कि एक पादरे जोस या फिर राज्य छोड़ दिया है या रन पर हैं। कहानी एक छोटे से देश के शहर में मुख्य चरित्र के आगमन के साथ शुरू होती है और फिर उसे तबस्को के माध्यम से अपनी यात्रा पर ले जाती है जहां वह लोगों को सबसे अच्छा करने के लिए मंत्री की कोशिश करता है ऐसा करने में उसे बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है जिनमें से कम यह नहीं है कि तबस्को निषेध भी है जिसमें सर्व समाज का मुख्य उद्देश्य सैक्रिफाइस ऑफ द मास के उत्सव में बाधा डालना है जिसके लिए वास्तविक शराब एक आवश्यक है इसलिए यह कहना विस्की प्राप्त करना काफी आसान है इसके बावजूद मना किया जाना लेकिन शराब प्राप्त करना बहुत मुश्किल है वह अपनी व्यक्तिगत समस्याओं और अतीत और वर्तमान पापों से भी परेशान है विशेष रूप से इस तथ्य से कि वह पिता से डरता है कुछ साल पहले उसके पल्ली में बच्चा इसके अतिरिक्त विस्की का उसका उपयोग नशे की सीमा पर हो सकता है और निश्चित रूप से अपने स्वयं के दृष्टिकोण में अच्छे उपाय की सीमा से परे है एक दृश्य में इन दोनों समस्याओं को मिलाया जाता है नायक पवित्र व्यक्ति के लिए शराब की एक बोतल खरीदने की कोशिश करता है ऐसा करने के लिए बहुत उच्च अधिकारियों के पास जाने की जरूरत है कवर के लिए विस्की की एक अतिरिक्त बोतल के साथ और अपने व्यक्तिगत उपयोग के लिए भी खुद को प्रकट करने में सक्षम नहीं होने के कारण उन्हें शराब को मौके पर खाली करने के लिए कहा जाता है और व्यर्थ में विस्की की पेशकश करने की कोशिश करता है
अपनी बेटी के लिए वह उससे मिलता है, लेकिन जो हुआ उसके बारे में पछतावा महसूस करने में असमर्थ है। इसके बजाय वह बुरी दिखने वाली और अजीब छोटी लड़की के लिए एक गहरा प्यार महसूस करती है और उसे लानत से बचाने के लिए अपनी शक्ति में सब कुछ करने का फैसला करती है। अपनी यात्रा के दौरान पुजारी एक मेस्टिजो का भी सामना करता है, जो बाद में खुद को जूदास होने का खुलासा करता है। मुख्य प्रतिद्वंद्वी हालांकि लेफ्टिनेंट है, जो नैतिक रूप से अप्रासंगिक है, फिर भी ठंडा और अमानवीय है, जबकि वह माना जाता है कि लोगों के लिए जीवित है। वह गानवों से बंधकों को ले जाने और उन्हें गोली मारने की एक डायबिटीज योजना का अभ्यास करता है। अगर यह साबित होता है कि पुजारी एक गांव में आकर बस गए हैं, लेकिन निंदा नहीं की गई है। लेफ्टिनेंट को अपनी युवावस्था में चर्च के साथ भी बुरे अनुभव हुए हैं और परिणाम स्वरूप विस्की पुजारी की खोज में एक व्यक्तिगत तत्व है। लेफ्टिनेंट का मानना है कि पादरी के सभी सदस्य मौलिक रूप से बुरे हैं और उनका मानना है कि चर्च भ्रष्ट है और लोगों को भ्रम के अलावा कुछ नहीं देता है। लेफ्टिनेंट और उसकी पोज से उड़ान में पुजारी एक पड़ोसी प्रांत में भाग जाता है, केवल मेस्टिजो के साथ फिर से जुड़ने के लिए, जो पुजारी को मरने वाले व्यक्ति की स्वीकारोक्ति सुनने के लिए वापस जाने के लिए मना लेता है। हालांकि पुजारी को संदेह है कि यह एक जाल है, वह अपने पुरोहित कर्तव्य को पूरा करने के लिए मजबूर महसूस करता है। हालांकि वह मरने वाले को पाता है, यह एक जाल है और लेफ्टिनेंट पुजारी को पकड़ लेता है। लेफ्टिनेंट ने स्वीकार किया कि उसके पास एक आदमी के रूप में पुजारी के खिलाफ कुछ भी नहीं है, लेकिन उसे खतरे के रूप में गोली मार दी जानी चाहिए। निष्पादन की पूर्व संध्या पर लेफ्टिनेंट दया दिखाता है और निंदनीय आदमी की स्वीकारोक्ति, जो कि चर्च की अनुमति देगा और जो नायक सहमत हो गया है, को सुनने के लिए पडरे जोस को सूचीबद्ध करने का प्रयास करता है, लेकिन प्रयास पडर जोसे की पत्नी द्वारा विफल है। लेफ्टिनेंट आश्वस्त है कि उसने पुजारियों के प्रांत को साफ कर दिया है। हालांकि अंतिम दृश्य में एक और पुजारी शहर में आता है, एक वफादार कैथोलिक महिला जिसे हमने पहले भूमिगत में संतों के जीवन को बताते हुए सामना किया था, ने नायक की जिंदगी को अपने प्रदर्शनों की सूची में शामिल कर लिया है, जबकि उसके बेटे को यह याद रखने के लिए मना किया कि इस पुजारी को उसके मुंह से अजीब तरह की गंध आ रही थी। यह अन्य संभावित रीडिंग के बीच कैथोलिक चर्च को नष्ट नहीं किया जा सकता है। हल्के स्तर पर यह भी सुझाव देता है कि एक निश्चित प्रकार का भक्त कभी फेयरचाइल्ड परिवार की चित्र पुस्तिका नायकों में असभ्य संतों को शांत करने की कोशिश करेगा, भले ही यह उनके वास्तविक विश्वास और वीरता को ठीक से मनाने के तरीके में खड़ा हो। सारांश का अंत। धन्यवाद।